अब नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में डॉक्टर, एडवोकेट, पुलिस, आईएएस, पीसीएस या फिर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर कोई बिजनेस वाले, ये आप सभी के सभी ज्वाइनिंग करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को। और अगर आप ये चाहते हो कि आप उन्हें इनवाइट करो ताकि वो आपके साथ जुड़ के काम करें, तो आपको सिर्फ इस प्लान को उनको समझा देना है या फिर आप इस वीडियो को भी दिखाकर उनकी ज्वाइनिंग अपने साथ ले सकते हो। दोस्तों, आज मैं आपको जो चीज़ें दिखाने वाला हूँ ये बहुत ही इमोशनल फीलिंग को टच करता है, क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हों, चाहे प्राइवेट एम्प्लॉय हों, चाहे वो किसी भी पद पे हों, आज का हमारा ये प्लान सभी के फीलिंग को 110% टच करेगा। तो इसके लिए आपको बने रहना है हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। तो जिस भी पर्सन से आप मिलते हो, जिनको आप अप्रोच करने जाते हो, जिनको आप इन्वाइट करने जाते हो, वो कोई भी पर्सन हो, लेकिन आपको ये क्वेश्चन पुटअप करना होगा कि आप यही चाहते होंगे कि आपकी लाइफ में आप कुछ ऐसा काम करें जिससे आपकी लाइफ सेट तो हो ही हो, आपके न रहने के बाद आपकी फैमिली की लाइफ भी सिक्योर रहे, सेफ रहे, यानी कि आपके न रहने के बाद भी उनको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता रहे, फाइनेंशियल उनको सपोर्ट मिलता रहे, कभी उनको ये महसूस ना हो कि आज हमारे पापा नहीं, आज हमारे हस्बैंड नहीं है तो आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है, क्योंकि आज टाइम में हर एक काम सिर्फ और सिर्फ पैसे से पूरा होने वाला है। अब कुछ लोग यहाँ पर ये चाहते हैं कि उनके पास कोई गवर्नमेंट जॉब हो, आईएएस, पीसीएस, एडवोकेट, इंजीनियर, पुलिस, कुछ भी हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाए। तो यहाँ पर उनको अब ये लगता है कि जब उनको ये सब जॉब मिल जाएगा तो उनकी लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ये भी सोचते हैं कोई भी ए टू जेड गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाएगा तो उस कंडीशन में वो क्या करेंगे। तो अब यहाँ पर अगर वो चाहते हैं कि मैं अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर दूँ तो शायद मेरी फैमिली को कभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पर इनका सोचना ये गलत है। ये सब करने से सिर्फ और सिर्फ आपकी लाइफ सेट हो पाएगी। आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर आपका कोई भी ओन बिजनेस है, तो ये सब करने से सिर्फ और सिर्फ आपकी लाइफ सेट होती है, न कि आपके फैमिली मेंबर की। अब ये सब कैसे पॉसिबल है, इसको हम कुछ इस प्रकार आगे समझते हैं। मान लो कि आप एक मजदूर हो, आप मजदूरी करते हो, आप हो, आपकी वाइफ हैं और आपके माता पिता हैं और आगे 1 से 2 साल में आपके पास बच्चे भी हैं। अब यहाँ पर आपकी वाइफ, आपके माता पिता, आपके बच्चे, ये सभी डिपेंड हैं आपके ऊपर। आप कमा रहे हो, इनका खर्चा चल रहा है, यानी कि इन सभी का सहारा सिर्फ और सिर्फ आप हो। वाइफ के मेंटेनेंस पर खर्चा, माता पिता के दवाइयों का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई खर्चा, सब कुछ आप मेंटेन करते हो। अब यहाँ पर मान लो अगर किसी दिन आप न रहे तो, दोस्तों इसको बहुत डीप में समझना, अगर यहाँ पर आप नहीं रहे तो क्या होगा, इन सभी का कोई सहारा नहीं है। या तो बीवी को कुछ काम करना पड़ेगा, या तो बच्चों को बाल मजदूरी करनी पड़ेगी, या तो आपके माता पिता को बुढ़ापे में हाथ पैर मारना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो उनको करना ही पड़ेगा। लेकिन आपके मरने के बाद, आपके न रहने के बाद उनको कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी ये आप समझ सकते हो। अब हम आगे देखते हैं। मान लो कि आप आईएएस हो, पीसीएस हो, पुलिस हो, एडवोकेट हो, इंजीनियर हो, गवर्नमेंट कोई भी एम्प्लॉय हो, अगर आप ये सब हो तो आपको लगता है कि आपकी लाइफ सेट है। तो सेम यही चीज़ें यहाँ पर भी हैं। आप हो, आपकी वाइफ हैं, आपके माता पिता हैं और आपके बच्चे हैं, ये सभी आपके ऊपर डिपेंड हैं। आपकी वाइफ का खर्चा, आपके माता पिता का खर्चा, उनकी दवाइयों का खर्चा और अपने बच्चों का पढ़ाई लिखाई खर्चा, इन सभी खर्चा सिर्फ और सिर्फ आप देखने वाले हो अकेले, और इसमें कि आपके भी डिजायर और ड्रीम इन्वॉल्व हैं। तो अब इन सभी का सपना आपसे जुड़ा हुआ है, अगर आप हैं तो इनके सपने हैं, आप नहीं, इनके सपने खत्म हो गए हैं। तो इस कंडीशन में अगर मान लो कि आप किसी दिन नहीं रहे तो यहाँ पर कुछ दिन सहारा ये होगा कि अगर आपके पास कोई गवर्नमेंट जॉब है तो आपकी बीवी को पेंशन आता रहेगा, उसका आधा यानी कि सैलरी का आधा उनको पेंशन जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप बहुत बड़ा तीर मार के नहीं जा रहे हो, आप बहुत बड़ा बैकअप छोड़ के नहीं जा रहे हो उनके लिए। जिस दिन आपकी वाइफ खत्म हो जाएंगी उस दिन सारा खेल खत्म हो जाएगा। यहाँ पे खेल तो वैसे भी खत्म हो गया है अभी तक। और आप ऐसा कुछ ये भी नहीं छोड़े हो कि आपकी जगह पर आपका बेटा जाके काम कर लेगा, क्योंकि आईएएस, पीसीएस, पुलिस, एडवोकेट, इंजीनियर, गवर्नमेंट कोई भी एम्प्लॉई हो, आपके बच्चे हैं, वो तैयारी करेंगे अच्छे से, अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो उनको भी ऐसे ही बाहर जाके हाथ पैर मारना पड़ेगा। लेकिन इस कंडीशन में ये सब क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ पेंशन से गुजारा होने वाला नहीं है, क्योंकि जहां पर इसका आपको डबल मिलता था उसे भी खर्चा नहीं चल पाता था, तो इससे आधे में कहां हो पाएगा। या तो फिर आपके माता पिता बुढ़ापे में हाथ पैर मारे, कुछ काम धंधा करें, डेफिनेटली आप यही छोड़े जा रहे हो यहाँ से कि आपकी बीबी, आपके बच्चे या फिर आपके माता पिता बुढ़ापे में या फिर बचपन में ही बाल मजदूरी करें, तो खेल यहाँ पर भी खत्म है। अब हम आगे देख रहे हैं बिजनेस वालों का। तो भैया यहाँ पर एक बिजनेसमैन है, इनका खुद का बिजनेस है, इनकी बीवी है, इनके माता पिता हैं और इनके 2 बच्चे हैं, यहाँ पर इनका पूरा परिवार इन्हीं के ऊपर डिपेंड है।
अब यहाँ पर इनको ये लगता है कि मेरे पास खुद का बिजनेस है तो मैं बहुत बड़ा तुर्रम खान हूँ, मैं एक बिजनेस मैन हूँ। ऐसा नहीं है, आप एक बहुत बड़े गलत फहमी में जा रहे हो। अगर आप एक बिजनेस मैन हो तो जिस दिन आपकी दुकान नहीं खुलेगी, जिस दिन आपकी शॉप नहीं खुलेगी, उस दिन भी आपको पैसा आना चाहिए। क्या यहाँ पर ऐसा कुछ है? नहीं, आपका एक खुद का बिजनेस है और जिस दिन आप अपना बिजनेस ओपन नहीं करोगे, अपना दुकान ओपन नहीं करोगे, कस्टमर नहीं आएंगे, पैसे आपको आने वाले नहीं है। आप सिर्फ इकलौते ऐसे पर्सन हो जो बिजनेस संभाल रहा है और आपके माता पिता, आपकी फैमिली, आपकी वाइफ आपके ऊपर डिपेंड हैं। और अगर यहाँ पर भी वही हाल हुआ कि यहाँ पर किसी दिन आप नहीं रहे तो आपके बीवी का खर्चा, आपके बच्चों का खर्चा और आपके माता पिता का खर्चा, ये सब कौन उठाएगा? जो आप बिजनेस छोड़ गए वो उठाएगा? क्या बंद दुकान काम करेगा या फिर वहाँ पर प्रोडक्ट जो है ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा? हाँ, यहाँ पर ये हो सकता है कि आपकी बीवी उस दुकान में बैठे, वो प्रोडक्ट को सेल करें, या फिर आपके माता पिता बैठे दुकान में, या फिर आपके बच्चे बैठे अपना पढ़ाई लिखाई छोड़कर, तभी तो पॉसिबल हो पाएगा। क्या पता बच्चे संभाल पाए या नहीं संभाल पाए। क्योंकि दोस्त एक बात हमेशा याद रखना, विरासत में बाप की गद्दी तो मिल सकती है लेकिन बाप की बुद्धि नहीं मिल सकती। जो माइंड सेट, जो नॉलेज आपके पास है वो इन सबके पास नहीं आ पाएगा। यानी कि यहाँ पर भी सीधा साधा फंडा ये है कि आप कुछ ऐसा इनके लिए बैकअप छोड़कर नहीं जा रहे हो जिनसे इनका लाइफ अच्छे से एक्सपेंड होता रहे। आपके न रहने के बाद इनको हाथ पैर मारना ही पड़ेगा, आपकी वाइफ को, आपके माता पिता को, आपके बच्चों को, तभी तो उनकी लाइफ चल पाएगी, अदरवाइज उनकी लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। अब आते हैं आगे, सक्सेसफुल नेटवर्कर्स। अगर आप यहाँ पर एक सक्सेसफुल नेटवर्कर्स हैं और आपकी वाइफ हैं, आपके माता पिता हैं, आपके बच्चे हैं, यहाँ पर आप 2 साल 3 साल 4 साल मेहनत कर रहे हो और आप एक सक्सेसफुल नेटवर्कर्स बन चुके हो और यहाँ से अपनी वाइफ का खर्चा, अपने माता पिता का खर्चा और अपने बच्चों का खर्चा सिर्फ और सिर्फ आप मैनेज कर रहे हो। जो भी आपकी वाइफ के मेंटेनेंस पर खर्चा हो रहा है, यानी उनके जो भी मेकअप वगैरह खर्चा हो रहा है, आपके माता पिता पर जो खर्चा हो रहा है, उनकी दवाइयों पर जो खर्चा हो रहा है, आपके बच्चों का पढ़ाई लिखाई खर्चा, सब कुछ आप देख रहे हो। और किसी दिन ऐसा अचानक यहाँ पर भी हो जाए कि आप नहीं रहे, कोई बात नहीं, आप नहीं हो कोई बात नहीं, जितना आप कमाते थे आज भी आपका पेमेंट उतना ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके नीचे आपकी टीम काम कर रही है। यानी कि आपके न रहने के बाद आपकी फैमिली को कोई भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। हाँ, उन्हें थोड़ा सा बस ये दुख होगा कि मेरे पापा नहीं है, मेरे बेटे नहीं है, मेरे हस्बैंड नहीं है, लेकिन वो मेरे लिए कुछ ऐसा छोड़े गए हैं जिससे आज मुझे कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं हुई है। तब आपके फैमिली में लोग गर्व से बोलेंगे कि मेरा बेटा, मेरे पापा, मेरे हस्बैंड कुछ ऐसा मेरे लिए करे गए हैं जो मेरा बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट कर रहा है। तो अब आप बताइए कि आपके लिए उचित क्या है? डेफिनेटली मजदूरी तो नहीं हो सकता है, IAS, PCS, पुलिस, एडवोकेट, गवर्नमेंट जॉब कुछ हद तक हो सकता है। ओन बिजनेस है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी लाइफ सेट हो पाएगी, यानी कि ये भी मुश्किल है। सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक ही रास्ता है और वो है नेटवर्क मार्केटिंग। इसको आप बिल्कुल ना नहीं बोल सकते हो क्योंकि रियलिटी यही है। तो अब आप बताइए कि आप क्या चूज करेंगे? अगर आप ये चाहते हैं कि आपके न रहने के बाद भी आपकी फैमिली सेफ एंड सिक्योर लाइफ फील करे, तो आपको सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग ही ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आप अपना खुद का नहीं बल्कि अपने आने वाली जनरेशन का भी पूरा ख्याल